एमपीपीएससी की परीक्षा में बेहुदा सवाल, तो क्या पाकिस्तान को सौंप दे कश्मीर? कश्मीर पर सवाल, जमकर बवाल, इतना विवादित सवाल, उठ गए सवाल। कश्मीर पर सवाल, कटघरे में सरकार, परीक्षा में सवाल पर राजनीति बेहिसाब। तो क्या पाकिस्तान को सौंप दिया जाए कश्मीर? अगर इस सवाल को सुनकर आपके भी मन में शोले भड़क उठते हैं तो यकीनन आप हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि वो कश्मीर जिसको लेकर न जाने कितनों ने प्राण गंवाए, उसकी आज़ादी के लिए कश्मीरी पंडितों का खून बहा, लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा में उसी को लेकर भद्दा सवाल किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एमपीपीएससी की परीक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल पर संग्राम छिड़ गया है। जानकर हैरानी तब होती है कि सवाल को लेकर परीक्षा में तर्क भी दिए गए थे। जरा समझिए क्या है पूरा मामला। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कश्मीर पर भद्दा सवाल, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को देने का निर्णय कर लेना चाहिए? अब जरा इस बेहुदा सवाल पर दिए गए तर्कों को भी देख लीजिए। तर्क नंबर एक, हाँ इससे भारत को बहुत सा धन बचेगा। तर्क नंबर दो, नहीं ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। अब जो ऑप्शन छात्रों के पास थे जरा उन पर भी नजर मार लीजिए। क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को देने का निर्णय लेना चाहिए, ये सवाल था और इस पर तर्क दिए गए कि तर्क नंबर एक यानी कि पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए ये प्रबल है। ऑप्शन बी तर्क ये कि पाकिस्तान को नहीं सौंपना चाहिए ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी ये था कि दोनों भी तर्क प्रबल है। वहीं ऑप्शन चार ये है कि दोनों ही तर्क प्रबल नहीं है। लेकिन परीक्षा में शामिल लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सवाल सोच जानने के लिए था या फिर ज्ञान जानने के लिए। एक छात्र ने विरोध जताते हुए पूछा कि एक छात्र ने सवाल किया कि सवाल का जवाब साफ है लेकिन हम इस सवाल के पीछे की वजह नहीं जानते हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने पेपर बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय यादव ने पेपर बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। सुनिए क्या कुछ कहा नरोत्तम मिश्रा ने। जो प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, दो मध्य प्रदेश के एक महाराष्ट्र के हैं, पीएससी ने दोनों को डीवार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी सूचना दे दी गई है कि ये डीवार हो गए हैं, इनसे कोई ये काम न। अब जब इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है तो सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, कार्रवाई की बात भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इतना भद्दा सवाल आखिरकार पूछा ही क्यों गया? वही पेपर बनाने वालों पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या पेपर बनाने वाले वाकई में छात्रों की विचारधारा का टेस्ट ले रहे थे या कोई और वजह है। लेकिन जो भी वजह हो ये बेहद शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।